मेरी उम्र 20 साल थी। घर में पैसे की तंगी के चलते मैं गीता देवी के घर पर काम करने लगी। मैं बड़ी मेहनत से उनके घर का सारा काम करती थी। उनके घर में जितने लोग उतनी ही फरमाइश। सुबह से ही मेरे नाम आदेशों की लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। फिर भी मैं खुशी खुशी सबकी फरमाइश पूरी कर देती थी। मैंने भी जैसे अपने दो पैरों में 10 पहिए लगा रखे हो। मेरी सेवा से घर का हर सदस्य संतुष्ट था। गीता देवी का परिवार मेरी सेवा और ईमानदारी को स्वीकार भी करता था। मैं थी भी ऐसी ही, दूध सा गोरा और कमल सा चिकना बदन, कजरारे नैन, रसीले होठ, पतली कमर, काली नागिन जैसे काले लंबे बाल और ऊपर से खनकती हुई आवाज, मेरी खूबसूरती मेरे किसी फिल्म की हीरोइन होने का एहसास कराती थी। घर की मालकिन गीता देवी की बेटी रचना, जो मेरी हम उम्र थी, उसके पुराने मगर मॉडर्न डिजाइन के कपड़े जब मैं पहन लेती थी तो मेरी खूबसूरती में और भी निखार आ जाता था। गीता देवी का बेटा अजय तो मुझ पर लड्डू था, हमेशा मेरे आसपास डोलते रहने की कोशिश करता रहता था। मैं भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अब तक हम दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे से जाहिर नहीं की थी। घर के दूसरे कामों के अलावा गीता देवी की बूढ़ी सास की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर ही थी। दरअसल गीता देवी एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उन्हें सुबह के 8 बजे तक घर छोड़ देना पड़ता था। बड़ा बेटा अजय और बेटी रचना दोनों सुबह 9 बजे तक अपने अपने कॉलेज के लिए निकल जाते थे। गीता देवी के पति रमन जी का खुद का बिजनेस था। उनके मिलने वालों के चाय नाश्ते का इंतजाम भी मुझको ही देखना पड़ता था। मैं सुबह के 7 बजते-बजते उनके फ्लैट पर पहुंच जाती थी। पूरे 10 घंटे लगातार काम करने के बाद शाम के 6 बजे तक ही मैं अपने घर लौट पाती थी। एक दिन मैं गीता देवी के घर पर अकेली थी। बूढ़ी अम्मा भी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। घर का काम निपटा कर थोड़ा सुस्ताने के लिए मैं जैसे ही बैठी, दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अजय खड़ा था। घर में और कोई नहीं है, है क्या? अजय ने अंदर आते हुए पूछा। नहीं, मैंने छोटा सा जवाब दिया। कमरे में खुद के अलावा अजय की मौजूदगी ने मेरे दिल की धड़कने बढ़ा दी थी। मैं अपनी नजरें चुरा रही थी। उधर अजय का दिमाग मुझको अकेला पाकर बहकने लगा था। अजय ने अपने कमरे में जाते हुए मुझको एक गिलास पानी देने के लिए आवाज लगाई। मैं पानी लेकर कमरे में पहुंची। अजय ने मुझे गिलास मेज पर रख देने का इशारा किया। गिलास रखकर जब मैं लौटने लगी तो अजय ने मुझे पीछे से अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। एक तो लड़की की गदरा देह, मुश्किल से मिली तन्हाई और मालिक होने का रोब अजय पूरी तरह अपने अंदर के हैवान के आगे मजबूर हो चुका था। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? मैं बुरी तरह डरी हुई थी। वही जो तुम चाहती हो। तुम्हें तो फिल्मों की हीरोइन होना चाहिए था, किन कंगाल के घर पैदा हो गई तुम। कोई बात नहीं, तुम तो किसी बड़े घर की बहू बनने के लायक हो मेरी जान। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर अजय ने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे जिस्म पर सवार होने लगा। मुझ पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए अजय बड़ी बेशर्मी से बोला, पहले अपनी जवानी का मजा चखाओ, फिर मैं तुम्हें अपने परिवार की बहू बनाता हूँ। लेकिन शादी के पहले यह सब करना पाप होता है, मैं गिड़गिड़ाते हुए बोली। पाप पुण्य का हिसाब बाद में समझाना बेवकूफ लड़की, पहले मैं जो चाहता हूँ वह करने दे। अजय वासना की आग में पूरी तरह दहक रहा था। इसके आगे वह कोई हरकत करता घर का दरवाजा खटाकर खुला। सामने गीता देवी खड़ी थी। अपनी माँ को देख अजय पहले तो डरा, फिर पतरा बदल कर पलंग से उतर गया। मैं भी उठ खड़ी हुई। यह सब क्या हो रहा है, गीता देवी चीखते हुए बोली। देखिए ना मम्मी, कैसी बच्चलन लड़की को आपने घर में नौकरी दे रखी है।
अकेला देखकर इसने मुझे जबरन बिस्तर पर खींच लिया। यह इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। अजय ने एक ही सांस में अपना कसूर मेरे सिर पर मार दिया। नहीं मालकिन, नहीं, यह सच नहीं है, कहते हुए मैं रो पड़ी। देख रही है मम्मी कितनी ढीठ है यह लड़की, यह कब से मुझ पर डोरे डाल रही है। आज मुझे अकेला पाकर अपनी असलियत पर उतर ही आई, अजय सफाई देता हुआ बोला। मैं खूब जानती हूँ, इन छोटे लोगों को अपनी औकात दिखा ही देते हैं। अब मैं इसे काम पर नहीं रख सकती, गीता देवी मुझ पर आंखें रते हुए बोली। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, हम लोग भूखे मर जाएंगे, मैं बोली। भूखे क्यों मरोगे, अपनी टकसाल लेकर बाजार में बैठ जाओ, अपनी भूख के साथ साथ दूसरों की भी भूख मिटाओ। घरों में झाड़ू पोछा करके कितना कमाओगी, चलो निकलो अभी मेरे घर से, मेरे बेटे पर लाछन लगाती है, गीता देवी बेरुखी से बोली। मैं हैरान सी सब कुछ सुनती देखती रही, मेरा सिर चकराने लगा। कुछ देर में जाकर मैं संभली और बिना उनकी तरफ देखे दरवाजे से बाहर निकल गई। घर आकर मैंने रोते रोते सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाई। मेरी माँ हैरान रह गई। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह सच है कि मैं मन ही मन अजय बाबू को चाहने लगी थी, पर इन सब बातों के लिए कभी तैयार नहीं थी। वह तो एन वक्त पर मालकिन आ गई और मैं बर्बाद होने से बच गई, मुझे माफ कर दो माँ, मैं रोने लगी। माँ ने मुझको खींचकर गले से लगा लिया।